हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए कटहल की सब्ज़ी जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। कटहल की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह से बनाने का। बहुत इजी है, बहुत आसानी से एक से बना सकते हैं और एक ही बर्तन में आराम से इसे झटपट बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एक बार इस तरह से बना के ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और हमेशा इसी तरह बनाना पसंद करेंगे क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है, तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि हम डेली अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते रहते हैं। और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जो भी वीडियो लाएँ सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिएगा, अपनी फ्रेंड को जरूर शेयर कर दीजिएगा, फैमिली को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, हमने कटहल ले लिया है, इन्हें काट लिया इस तरह से, इतने बड़े बड़े पीसों हमने काटा हुआ है। और ये देखिए, इसमें कटहल काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और ये देखिए, मैंने 2 से 3 से मैंने प्याज मैंने काट लिया, फाइन इस तरह से हमने काट लिया, ग्रेट किया हुआ अदरक और लहसुन, हमें खड़े ही लहसुन यूज़ करने हैं। और अब मैंने 2 टमाटर काट लिए हैं, कुछ खड़े मसाले हैं, 1 चम्मच मैंने जीरा ले लिया है, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, लौंग, काली मिर्च और 2 मैंने छोटी इलायची ले लिया है और 2 मैंने लाल मिर्च भी ले लिया है। अब कुछ मसाले हम इसे पेस्ट हम बना लेते हैं। तो पहले हम 2 चम्मच इसमें हम धनिया ले लेंगे, 1 चम्मच इसमें हम मीट मसाला ले लेंगे, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, सिर्फ मीट में ही नहीं डाले जाते, कटहल की सब्ज़ी में भी डालिए, बहुत अच्छे लगेंगे। अब 2 चम्मच इसमें हम कश्मीरी मिर्च डाल देते हैं। अब थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच और 1/2 चम्मच के लगभग हम लाल मिर्च पाउडर डाल दे रहे हैं। अब अच्छे से पेस्ट हम रेडी कर लेते हैं। एक बार इस तरह से बना के देखिए, बहुत पसंद आएगा आपको कटहल की सब्ज़ी। देखिए काफ़ी अच्छे से मैंने इसका रेडी कर ले रहे हैं पेस्ट। थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं, ये थोड़े मसाले फूल जाते हैं तो और अच्छा से भुन जाते हैं ये। ये देखिए कितने अच्छे से ये पेस्ट रेडी हो चुके हैं। अभी इन्हें एक किनारे रख देते हैं। इसके बाद हम कढ़ाई कुकर ले लेंगे, उसमें हम सरसों का तेल डाल देते हैं। कटहल हमेशा सरसों के तेल में ही बनाया करिए, बहुत अच्छे बनते हैं। मैं 2 से 3 चम्मच मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। अब इसमें हम पहले हम कटहल को डाल कर फ्राई करेंगे। कटहल जब भी बनाइए आप, कटहल को पहले फ्राई कर लीजिए अच्छे से, 2 से 3 मिनट के अच्छे से फ्राई करें, फिर उसके बाद बनाइएगा क्योंकि बिना भुने उसकी सब्ज़ी का स्वाद नहीं बनता है। तो पहले कटहल को अच्छे से भून लिया करिए। अब देखिए कटहल को अच्छे से हम भून लेते हैं, तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर आप कटहल को डालिएगा। इन्हें चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। ये कितने अच्छे से फ्राई होते जा रहे हैं ये। ये फ्राई होने के बाद कटहल बनाइए, उसका स्वाद बहुत ही टेस्टी बन जाते हैं ये। देखिए काफ़ी अच्छे से देखिए हो चुके हैं। देखिए कितने अच्छे से हो चुके हैं, अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब इसी कुकर में हम 2 चम्मच के लगभग और तेल हम डाल देते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो जाए पहले। फिर उसमें हम खड़े मसालों को डाल देंगे, 2 मैंने लाल मिर्च भी डाल दे रहे हैं। ये काफ़ी अच्छे से मसाले हो गए हैं ये। अब इसमें हम प्याज को डाल देते हैं। मैंने प्याज को रफली काटा है, इसे बारीकी से काटने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से इन्हें इसी तरह से काट सकती हैं। अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे हम और इन्हें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा मुलायम हो जाए फिर हम इसमें और सभी चीज़ों को डालेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन हमें इन्हें नहीं करना है।
अब इसमें हम डाल देंगे अदरक और लहसुन को। लहसुन खड़े ही डालिए, उसका स्वाद और बढ़िया बन जाता है। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए काफ़ी अच्छे से हो गए हैं ये, प्याज भी अच्छे से हो गए और लहसुन अदरक भी अच्छे से भुन गए हैं ये देखिए। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर, दो टमाटर हम डाल देते हैं। अब साथ में ही नमक डाल देंगे हम। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक बार इस तरह जरूर बना के देखिएगा, अब जरूर पसंद आएगा आपको, और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। और बहुत पसंद आने वाला है, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें जो मसाले मैंने घोल रेडी किए थे वो हम डाल देंगे। इससे मसाले भून थोड़ा सा फूल जाते हैं तो और अच्छे से हो जाते हैं। अब थोड़ा सा हम 1 से 2 चम्मच के पानी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन्हें। अब 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से इन्हें हम ढक देंगे मीडियम फ्लेम पे, जिससे मसाले अच्छे से भुन जाए। और ये देखिए 4 से 5 मिनट हो गए थे, इन्हें अच्छे से देखिए खोल के देख रहे हैं कितने अच्छे से ऊपर बिल्कुल तेल आ गए हैं ये, और मसाले भी बहुत अच्छे से भुन गए हैं ये। जितने अच्छे से मसाले भुनेंगे आपकी सब्ज़ी भी उतनी अच्छी बनेगी। ये देखिए कितने अच्छे से ये मसाले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आपको देख के ही पता चल रहा होगा कितनी अच्छे से सब मसाले भुन गए हैं ये। अब इसमें हम कटहल को डाल देते हैं। इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों के साथ इन्हें भी 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे हम। ये देखिए कितने अच्छे से इन्हें भून लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से हो गए हैं ये। दो 3 से 4 मिनट अच्छे से भुना हमने। अब इसमें हम पानी 1 गिलास हम डाल देते हैं। आपको जितनी ग्रेवी पसंद है उसी हिसाब से डालिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी अच्छा नहीं लगता है कटहल में, तो 1 गिलास हमने पानी डाल दिया है और 2 से 3 सीटी आने तक इन्हें हम ढक पका लेंगे हम। देखिए 2 से 3 सीटी लग चुके हैं और ये देखिए कितने अच्छे से हो गए हैं ये कटहल। ये देखिए आपको देख के पता चल रहा होगा कितने अच्छे से ये हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी बने ये सब्जी, बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसे चावल रोटी के साथ सर्व करिए, बहुत पसंद आएगा। और एक बार इस तरह बना के देखेंगे तो आप हमेशा इसी तरह सब्जी बनाएंगे, क्योंकि झटपट बन भी जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये देखिए इन्हें काट के दिखा देते हैं आपको, कितने अच्छे से पक गए हैं ये। अब इन्हें हम प्लेट में निकाल के दिखाते हैं आपको। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम डेली अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते रहते हैं इजी। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी हो गई है ये कटहल की, तो खाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।